कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं जब पूजा करती हूँ ना, उससे पहले मैं कैसे कैसे प्रिपरेशन करती हूँ। उससे पहले आप अगर अब तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो सुबह का लगता है 8 साढ़े 8 ऐसे टाइम हो रहा था और मैं बैठ गई थी पूजा करने। थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि आरू के सर को भी आना होता है। सर आते हैं तो उसका पहले सब कुछ तैयारी करना होता है, आरू को भी उठाना होता है, ब्रश वगैरह करा के कुछ खिला पिला के उसको बैठाती हूँ ताकि ना 1-1.5 घंटा तो मतलब वो बैठ सके, क्योंकि मैं पूजा करने में तो टाइम लगता है ना, 1 से 1.5 घंटा तो पूजा करने में लग ही जाता है। तो यहाँ पर मैं नहा धो के सबसे पहले सारा बर्तन वगैरह निकाल के रख देती हूँ ताकि सब में अच्छे से जो जो चीज़ रखना है वो रख सकूँ। और पूजा करने में तो 5 या 10 मिनट 20 मिनट हार्डली लगता है, बट प्रिपरेशन करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। और अखंड जो हम लोग जला रहे हैं ना, वो बार बार देखना होता है, बार बार समझना होता है कि किसका दिया बत्ती कैसे चल रहा है, ठीक से चल रहा है या नहीं, तो ये सब देखना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आरू को शायद समझा रही थी या फिर कोई और होगा, मुझे याद नहीं है, बट कोई था, हाँ आरू ही थी, सर आने वाले थे तो वो वेट कर रही थी, कुछ कुछ पूछ रही थी। तो यहाँ पे मेरा जो घी है ना, वो सब मैं ऐसे ही डालती हूँ। घी का एक जो कटोरी था ना, वो मेरा पता नहीं कहाँ खो गया, नहीं तो उसमें मैं डाल के पिघला के ना मैं फिर यूज़ करती हूँ, पर कोई बात नहीं, काम चल जाता है ऐसे भी। तो बस यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठ के पूजा करती हूँ। और पहले से सब कुछ जुगाड़ करके रखने से होता है क्या, बस आराम से आप पूजा कीजिए, नहीं तो पूजा करते करते दिया ऐसे बनाना पड़ता है, कपूर निकालना पड़ता है, ये सब करने में ना मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो पहले सारा कुछ प्रिपरेशन कीजिए, उसके बाद आराम से पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, जो भी आपको करना है। और देखिए यहाँ पर मेरा अखंड इतना अच्छा से जल रहा था, एक होता है ना सेटिस्फैक्शन होता है, एक ऊर्जा मिलता है, एक जो वाइब्स जो आ रहा है ना अभी, बहुत अच्छा आ रहा है। और आपको बता दूँ, मेरे पूजा पाठ पर भी ना बहुत लोग ना कमेंट किए हैं, आप मेरे व्लॉग में जाके नीचे सेक्शन कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, बहुत लोग ना अजीब अजीब बात करते हैं कि अरे पूजा तुम ही कर रही हो क्या, हम लोग नहीं कर रहे, इतना पूजा क्या दिखाती हो। तो मैं पूजा थोड़ी दिखा रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ मैं नवरात्र का पूजा करती हूँ, तो मेरा व्लॉग में सब कुछ ऐड होता है, तो ये कैसे छूट सकता है। मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, वो सब तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ही। कुछ लोगों को ये सिर्फ अच्छा लगता है, कुछ को पॉजिटिव लगता है, कुछ को नेगेटिविटी फैलाने का आदत होता है, तो उससे तो मुझे रत्ती भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इस पर हैबिचुएटेड हो चुकी हूँ ना, तो अब मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। और बहुत लोग बोलते हैं कि पूजा करती है नीचे बैठती है, मतलब ऐसे करती है, बोलने में भी ख़राब लगता है क्या क्या बोलते हैं, तो ना वो मेरा क्या कर सकते हैं, मेरा जो जगह है जैसा है मैं वहीं भी बैठ के पूजा करती हूँ। और मैं यहाँ 3 साल से करती आ रही हूँ, और इससे पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ भी मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा घर नहीं है, मेरा क्वार्टर है, क्वार्टर मैं खुद से नहीं बनवाई हूँ, ये बना बनाया हुआ मिलता है और उसी में हम लोग को अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बनवाइए, अगर नहीं बनवाना है तो आप ऐसे ही रहिए जैसे आपको सरकार देता है घर, वैसे ही रहिए। तो मैं इसमें कुछ खास नहीं करवाई हूँ, मैं जैसे मुझे मिला है मैं वैसे ही सब कुछ अरेंज करती हूँ, उसके हिसाब से रखती हूँ। तो उसके लिए भी बहुत लोग कमेंट करते हैं तो पढ़ के बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना ख़राब लगता है, बट फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, सबका काम होता है बोलना, सुन के आगे बढ़ना मेरा काम है। तो बस यहाँ पे वही सब कर रही हूँ, पूजा पाठ। और ढेर सारा फूल तोड़ के लाए थे अनूप जी, और मैं भी सुबह में, तो अनूप जी का मॉर्निंग ड्यूटी है तो मैं ही खुद से ही तोड़ लेती हूँ, अगर वो घर में रहते हैं तो वो भी तोड़ देते हैं कभी कभी, तो ढेर सारा फूल चढ़ाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेन तो भगवान के पास ये फूल ही रह जाता है और दिया, नहीं तो बाकी सब चीज़ तो हम लोग उठा के वापस ही ले आते हैं, तो भगवान का मेन हो जाता है फूल, और दिया तो बुझ भी जाता है, बड़ी फूल हर मतलब सुबह से लेके शाम तक, फिर शाम से लेके सुबह तक रह जाता है। तो बस धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाना होता है, और आप जो सिंदूर चंदन जो लगाते हैं मैं भी वही लगाती हूँ। और पता है सुबह शाम डेली नहाने से ना मुझे सर्दी हो गया है, और सर्दी के साथ साथ ना खांसी भी हो गया है, और मौसम थोड़ा ठंडा कर रहा है क्योंकि ऐसे भी ये जो शारदीय नवरात्र होती है ना, इसमें मौसम थोड़ा ठंडा कर देता है, क्योंकि इसमें मौसम का थोड़ा मतलब बदल जाता है, दिन भी छोटा करने लगता है, और सुबह में भी नहाती हूँ और शाम में भी नहा लेती हूँ, तो उसके कारण सर्दी बहुत ज़ोर का हो गया है, और ना गला भी बहुत बैठ रहा है और खांसी भी हो गया है। तो बस यही है, बस अच्छे से मेरा पूरा 9 दिन ये अखंड दिया जल जाए मेरा, और मतलब बस यही है, अच्छे से ध्यान देती रहती हूँ और पूजा मेरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, अनुप जी का पाठ पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। बस मेरा पूजा हो गया था तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आरती करके जस्ट उठी थी तो फिर आरू सर से पढ़ रही थी या सर से उठ के पढ़ के आ गई थी, तो वो आरती ले लेती है तो मेरे को फिर सेटिस्फेक्शन होता तो है कि चलो फ्रेंड्स, मैं आगे भी आज हो गया आपको एक आरू का चीज पूजा। दिखाने वाली हूँ। आरू
आरू कहाँ हो? इधर करो चेहरा थोड़ा सा, प्लीज बेटा थोड़ा सा करो ना। अरे करो तो, अरे करो ना। देखे 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 आरू, देखे ना चुपके लिए उधर। ये देखिए आरू, मेरा फेस पैक लगाई है, मेरा बचा हुआ था। और देखे थोड़ा सा, माय गॉड, पूरा ड्रेस पे भी गिराई हो तुम आरू, पूरा ड्रेस गिरा हुआ है इस पे। देखे धीरे से आओ, अच्छे से आओ। मेरा फेस पैक बच गया था तो तुम लगा ली, क्यों? मन किया। और आइए मैं दिखाती हूँ मम्मी कैसे बनाई फेस मास्क। मैं देखी मैं इसे कैसे बनाती हूँ। ऐसे लेती हूँ, ज्यादा बन गया था, दही ज्यादा पड़ गया था ऐसे तो ले फिर और लेती बेसन हूँ, डालना पड़ा। हाँ ऐसे लेती हूँ। फॉरहेड पे लगाओ, फॉरहेड पे कम लगा है। माय गुडनेस, ओ माय गॉड, आरू तुम तो खूबसूरत बन रही है, तुम तो पहले से इतनी प्यारी गुड़िया और है। खूबसूरत बनूंगी, हाँ और खूबसूरत। किसके जैसी वो बता सबसे गोरी लड़की के जैसा। बेटा? गोरी से क्या होता है बेटा, लो अच्छे से लगाई हो तो लो अच्छे से लगा दी, साइड में नहीं लगाई थी करो। गोरा काला से कुछ वैल्यू करता है? तो फिर ये सब कहाँ से आता है दिमाग में तुम्हारे? इधर आओ, इधर आओ, हमको धोना है, धोना है, इधर करो, ऐसे करो। इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त नहीं हो रहा इसका उसका बदबू? स्मेल अच्छा आरू को दही का स्मेल बर्दाश्त नहीं होता, क्यों लगाई थी? लगाने से पहले नहीं सोची थी? कर हाँ तो ये दही का है, दही तो तुम खाती है, फिर क्या प्रॉब्लम है? रहा नहीं आया, कुछ देर बर्दाश्त कर लो, सूख जाता है तुरंत, तुरंत ड्राई हो जाएगा, क्योंकि तो बिल्कुल पतला वाला फेस पैक है ये। फेस मास्क ला के भूतनी बनी हुई है, रो रही है और भूतनी लग रही है। भूतनी भूतनी भूतनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आरू करने बैठी है पूजा, अभी जस्ट नहा के आई है और करेगी आरू पूजा। आरू को पूजा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले जल, हाँ यहीं पे जल, लोटा में, छोटा सा लोटनी में। तो आरू पहले जल डालती है, जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे हर चीज़ सीखती है, फॉलो करती है, और जो चीज़ भूल जाती है मैं याद करवा देती हूँ। ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का जल डाला जाता है भगवान के ऊपर। बस सब सबको डालने की जरूरत नहीं है बस। अरे बेटा बढ़िया से दिया जल रहा है बेटा, चलो डालता बैठो, बैठ जाओ। रखो। अब मैं लगाऊंगी टीका। देखिए टीका हाँ ठीक है, लगाओ टीका रिंग फिंगर से। ज्यादा नहीं बेटा, हल्का हल्का लगाना चाहिए माँ को। तो लगा देता हूँ। इसी में रखो, प्लेट में ही रखो। चलो फूल चढ़ाओ, पहले फूल फिर ना अक्षत। अक्षत नहीं तो बेटा पहले फूल ना, सारे फूल ले लो डालूंगी, फ्रूट को, उठा लो बट्टा। अपने सारे फूल डालूंगी हाँ मैं। हाँ पहले उड़हुल डालो, ये डालते थे डाल पहले उड़हुल डालो ना, एक उन पे और एक उन पे। अब बाकी सारा फूल उठाओ, गुलाब चढ़ा दो माँ के ऊपर एकदम अच्छे से। हाँ वेरी गुड, अब सारा फूल चढ़ा दो माँ के ऊपर, माँ का श्रृंगार करो, ऊपर से गिराओ फूल को अच्छे से माँ पे।
ऊपर से गिराओ ना ऐसे डाल के, हाथ से, हाथ से वैसे नहीं, हाथ से करो। हाँ डालो, हाँ दूबी भी जा रहा है, दूबी भी ठीक है, डालो। जय माँ, बोलो शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। थोड़ा सा फूल रहने देना, घूमना होगा ना तुमको, जिनको बनाई उन पे थोड़ा सा चढ़ा दो। चलो पूजा पाठ हो गया है, आरू भी पूजा कर ली है, अभी जस्ट प्रसाद खाई हूँ, क्योंकि आरू जब पूजा कर लेती है तो प्रसाद खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे ध्यान लगा रहता है आरू को करना है करना है। और आज अनूप जी चले गए ड्यूटी, अनूप जी का कल रहेगा रेस्ट मंगलवार को, और कल हो जाएगा सप्तमी, सप्तमी नहीं कल हो जाएगा षष्ठी, आज पंचमी है। तो कैसा जा रहा है आप लोग का नवरात्र मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरा भी बहुत अच्छा जा रहा है, माँ दुर्गा का कृपा है हम लोग सबके ऊपर, और मेरा जो गोल्ड कलेक्शन है उस पर बहुत अच्छा व्यूज़ गया है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं बनाऊँगी चाट, क्योंकि कल रात में चाट बनाई थी और आरू को सुबह में भी खाना था, तो वही हम दोनों खाएंगे और उसके बाद खाना बनेगा। अनूप जी तो आएंगे शाम में तो खाएंगे, क्योंकि आएंगे 4-3 बजे, और वो आएंगे 3 बजे, उसके बाद वो पूजा करेंगे मतलब पाठ करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो आज भी वैसे ही, कल भी सेम वैसे ही हुआ था, आज भी सेम वैसे ही होगा। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ किचन में और जाके सबसे पहले बनाने जा रही हूँ टिक्की, क्योंकि टिक्की गर्मा गर्म रहता है ना तभी मज़ा आता है खाने में, ऐसे ठंडा ठंडा टिक्की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और रूम में थोड़ा अंधेरा इसलिए लग रहा है कि विंडो बंद है, मेरी हेल्पर अभी आई नहीं है, वो आएगी तो मैं विंडो ओपन करती हूँ। अब घर में होते क्या है, हम और आरू होते हैं तो बंद ही रहता है ज़्यादा सब कुछ, आगे गेट भी बंद रहता है। तो अभी पूजा पाठ करके जस्ट उठी हूँ, टाइम हो रहा है 11, अभी मेरा वीडियो पब्लिश हुआ है तो प्लीज़ जाइए और देखिए, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। क्या हुआ, आ जा चक्कू, देखिए कितना पुजेरिन हो गई, बाप रे बाप, पुजेरिन है पुजेरिन। ये टीका तुम ही लगाई हो मेरे इतना भयंकर टाइप का, ठीक है अच्छी बात है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जा रही हूँ, चाय मेरा बन गया है, बस उसको छान के पीना है। और ना अभी जस्ट हम लोग चाट का नाश्ता किए थे, बहुत अच्छा लगा, सुबह में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग दोनों खा लिए हैं और मेड के लिए छोड़ दिए हैं, और बस ये चाय मेरा अच्छे से उबल गया है और इसमें ढेर सारा तुलसी पत्ता मैं डाली हूँ, क्योंकि ना तुलसी पत्ता का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लगता है जैसे ना कुछ डिफरेंट, और ऊपर से फ़ायदेमंद तो अलग ही है। तो इसमें थोड़ा सा ना छोला बचा है, इसको मैं ऐसे गैस पे चढ़ा देती हूँ ताकि जब वो आएंगे तो उसको गर्म करके दे देना होगा। और मैं सोच रही हूँ मैं दोपहर का लंच बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, सब्जी बहुत सारा है, बट उसमें एक है सूरन, यानी हम लोग कहते हैं उसको ओल, ये देखिए ओल रखा हुआ है, ओल बनाने जा रही थी पर याद आया कि ये नहीं खाने का है। फिर बचा है तुरई, तुरई परसों ही हम लोग खाए हैं तो आज खाने का मन नहीं कर रहा है। और भिंडी है, कल ही भिंडी बना था। फिर कद्दू है, कद्दू चावल में अच्छा लगता नहीं है। बैगन खाने का है नहीं, झींगी है तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा झींगी का भुजिया ही बना दिया जाए, दाल चावल भुजिया। और चोखा कोशिश करके चोखा चढ़ा देती हूँ, आलू चोखा बन जाएगा तो मे भी थोड़ा अच्छा लगेगा खाने में। अभी प्याज लहसुन खाने का है नहीं ना, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा क्या काफ़ी मुश्किल हो रहा है, समझ में नहीं आता कि क्या खाया जाए। और मेरा तो टमाटर भी ख़त्म हो गया है, अनूप जी का लड़ाई थे तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे ना, उसकी वजह से मैं उनको कुछ बोल ही नहीं ला रही थी, तो मैं ज़रूर जिसके सामने कुछ सब्ज़ी धनिया पत्ता ये सब अच्छा लगेगा। अभी प्याज लहसुन खाना नहीं है तो वो सब्ज़ी डाल के अच्छा लगेगा। और ये कुकर थोड़ा सा गंदा है, क्योंकि इसी में ना मैं कल मटर उबाल के साइड में रख दी थी, तो सिर्फ आलू उबालना है, कोई दिक्कत नहीं है, आलू उबलेगा तो ऐसे भी ये धुलेगा ही।
इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँ मैं ताकि ये अच्छे से उबल जाए। और ये मैं दो तीन तरह का आलू होता है, एक रेड आलू, एक पीला आलू, ये सारा आलू मतलब मैं रेड वाला नहीं खा रही, अभी मैं पीला वाला आलू खा रही हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है जो व्हाइट टाइप का। अब तो नया आलू आ रहा है मार्केट में, नया आलू हम लोग खाएंगे कुछ दिन में दशहरा के बाद। तो यहाँ पे आरू बैठ के पढ़ रही है क्योंकि ना इसका थोड़ा सा शिकायत हुआ है सर से, क्योंकि आरू ना जब छुट्टी हुआ तो बहुत ज्यादा ही छुट्टी में डूब गई है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। और ना मैं इसका आज थोड़ा सा सर से कंप्लेन करी थी, कोई बात नहीं, बच्चे का तो कंप्लेन होता है। हम लोग के मम्मी पापा भी बहुत कंप्लेन करते थे, बहुत ज्यादा करते थे कंप्लेन स्कूल में जाके, और या ट्यूशन वाले सर आ जाते थे तो माँ बोलती थी क्या सर ऐसे कैलकुल आज सर सर आज ना पढ़ लो है ना, ऐसा नहीं ऐसा कैसे बोलते, मेरी माँ मग ही बोलती थी, उनको मग ही बोलना नहीं आता, सर ना पढ़ लेन है ऐसे का पता नहीं क्या बोलती थी। हम बताते हैं माँ बोलती थी आज नहीं पढ़ी है सर, होमवर्क की है कि नहीं, बोलते थे हाँ कर लिए लेकिन पढ़ ही नहीं सर कब की पता नहीं, ऐसे शिकायत लगाती थी। तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है तुम्हारे लिए, तुम पढ़ा होमवर्क तुम नहीं की थी, गलत बात है ना, सर नहीं मारते इसका मतलब ये नहीं कि सर को गुस्सा नहीं आता बेटा, सर बहुत प्यार करते तुमसे, दुलार करते इसे तुमको नहीं मारते है ना, किसी का ना फायदा नहीं उठाना चाहिए किसी का नजायज प्यार का, जैसे तुम मेरे नजायज मेरे प्यार का नजायज फायदा उठाती हो, तुम पढ़ी नहीं कल हम तुमसे बोलते रहे यार पढ़ो 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 तुम नहीं पढ़ी, होमवर्क कम्प्लीट की थी सर का, एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए था ना, राइटिंग तो तुम लिख ली बट होमवर्क कंप्लीट करना ज्यादा, सर आए हैं एक दिन भर में एक सर का होमवर्क भी कंप्लीट नहीं होगा तुमसे, तो गलत बात है ना बेटा, ज्यादा क्या होमवर्क दे देते हैं, ज्यादा क्या दे देते हैं होमवर्क, क्या हुआ दिन भर स्कूल स्कूल जा रही हो नहीं ना, स्कूल का टाइम में एटलीस्ट पढ़ाई करो, दो तीन घंटा करो सारा होमवर्क कम्प्लीट हो जाएगा, तुम नहीं पढ़ना चाहती हो, पढ़ना चाहते हैं तो क्यों नहीं होगा कंप्लीट हुआ, कभी कभी एक पेज अभी करो एक पेज शाम में करना है रात में करने से उसे सारा कंप्लीट हो जाएगा, हाँ बिल्कुल होगा सर, इसीलिए होमवर्क ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारा स्कूल नहीं है बेटा, नहीं तो सर ऐसे होमवर्क तो देते नहीं है ज्यादा, नहीं देते हैं, मेरा नेल टूट गया। सो फ्रेंड्स अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, ये ज्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करना है क्योंकि छोटा छोटा ब्लॉग में डाल दू, तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड क्या करना है सब्सक्राइब करना है, ठीक है, तो कल मिलते हैं जैसे वीडियो के साथ, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय बाय, शट अप वीडियो बंद कर दो, हाँ कर ही दे रहे हैं, तुम पढ़ाई फोकस करो अपना।